हेलो वेलकम गाइज, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो गाइज, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो जेड 5x स्मार्टफोन के बारे में, जो कि दोस्तों फाइनली चाइना में लॉन्च हो चुका है और ये जल्द ही इंडिया मार्केट में भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये इंडिया मार्केट में किसी और नाम से आ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के प्राइस, स्पेसिफिकेशन और लॉन्चिंग डेट की बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, बात करते हैं उस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस, यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया बात होने वाली है और साथ ही यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी गजब की देखने को मिलेगी। और साथ ही बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे मेन सेंसर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको मेन सेंसर देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और साथ ही 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट शूटर, यानी यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको काफ़ी दमदार प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी हीटिंग या फिर लाइट की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप दोस्तों हाई ग्राफिक गेम बड़ी आसानी से रन करा सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं इस फोन के स्टोरेज एंड रैम के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको 4 वेरियंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पहला वेरियंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 4 GB का रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज। और साथ ही दूसरे वेरियंट में आपको देखने को मिलेगा 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज। तो गाइस, बात करते हैं इसके थर्ड वेरियंट की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज। और साथ ही फोर्थ वेरियंट में आपको 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बात करते हैं इस फोन के कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डुअल सिम स्लॉट, जो कि दोनों ही 4G वर्ल्ड को सपोर्ट करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 और वाईफाई हैंड हॉटस्पॉट भी देखने को मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पे आपको GPS भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बात करते हैं इसके सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पैटर्न, पिन एंड पासवर्ड। और साथ ही में दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फेस अनलॉक। और साथ ही में रियर साइड में आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 9 पाई का सपोर्ट, जो कि दोस्तों वीवो के फ्रंट टच ओएस के साथ आने वाला है। और साथ ही गाइस, बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5000 mAh की बैटरी, जो कि बहुत ही ज्यादा mAh की बैटरी है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा बैकअप देखने को मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने वाला है। और साथ ही में यहाँ पे आपको 18 वाट की फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही बात करते हैं इसके प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट की। तो दोस्तों, इसकी प्राइस इसके वेरियंट के हिसाब से होने वाली है। तो यहाँ पे आपको 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस देखने को मिल जाएगी 14,000 रुपये। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस 15,500 रुपये के आसपास होने वाली है। तो दोस्तों, ये लॉन्चिंग डेट की बात करता हूँ, तो दोस्तों ये हाल ही में 1 महीने के अंदर ही ये इंडिया के अंदर भी आ जाएगा। और साथ ही दोस्तों, ये किसी और नाम से इंडिया में आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसे वीडियो दे पाऊँ। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।